H3N2 वायरस काफ़ी तेज हो चुका है। आपको बता दें कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस के केसों में काफ़ी तेज़ी देखी गई। वहीं बात करें तो यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी अब काफ़ी तेज़ी से खांसी, जुखाम, बुखार के मरीज मिलने के कारण चिंताएं बढ़ने लगी। भारत में H3N2 का वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज करा रहा। वहीं बात करें तो काफ़ी तेज के इस जो है घातक होते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बुला ली है बड़ी मीटिंग और आगे आने वाले टाइम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। H3N2 वायरस की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। वहीं बात करें तो कोरोना के बाद H3N2 वायरस काफ़ी बड़ा एक घातक रूप धारण करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। 2 गज की दूरी सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अब जरूरी हो चुकी है। भयानक हो रहा है H3N2 वायरस। खांसी, जुकाम और बुखार लोगों का हफ्तों तक नहीं ठीक होने के कारण उनकी भी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। साथ ही साथ भारत में H3N2 के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं। नई लहर में केस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। स्कूल, कॉलेज, परीक्षाएं, इन सभी पर काफ़ी बड़ा खतरा आ चुका है। H3N2 के मरीज हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से केसेस बढ़ने के कारण भी दिक्कत